JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। बेहद ही अच्छी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, नौकरी की तलाश में हैं तो बेहद ही अच्छी खबर है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन यूथ तक जो इस नौकरी का इंतजार कर रहे थे या फिर बेरोजगार हैं और नौकरी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। तो आपको बता दें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो लगभग 3712 वैकेंसी जो है वो आउट की गई है, नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस नौकरी की बात करें तो इस नौकरी का अगर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है, जहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2024 यानी कि SSC CHSL 2024 की नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुकी है यानी कि आउट हो चुकी है, जिसमें वैकेंसी 3712 ये वैकेंसी जो है वो रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा, एज लिमिट क्या कुछ रहेगी, पूरी जानकारी आप तक साझा करेंगे। पे स्केल क्या कुछ रहने वाला है और आप किस प्रकार से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वो भी प्रोसीजर जो है वो आपको पूरा बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3712 ये वैकेंसीज है, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट, यानी कि इनके लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो क्वालिफिकेशन आपका 12th पास, यानी कि आप 12th पास होना जरूरी है, 12th पास आपका क्वालिफिकेशन रहेगा विद यानी कि साइंस स्ट्रीम में आपका जो है वो 12th पास होना चाहिए विद मैथमेटिक्स के साथ, यानी कि मैथमेटिक्स होना जो है वो अनिवार्य है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो May 8 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और अगर आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करवानी है टॉप करेक्शन भी करवा सकते हैं May 10 और साथ ही साथ May 11 तारीख को जो है वो आप करेक्शन करवा सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन यूथ तक ये जानकारी पहुंच सके जो इस नौकरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस नौकरी की बात करें तो आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो केवल आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए विद मैथमेटिक्स के साथ, और आप जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जहां पर 3712 के करीब जो है ये वैकेंसीज निकाली गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो पे स्केल रहने वाला है वो भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो बताई गई है वो 18 साल, यानी कि 18 साल जो है वो आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है वो 27 वर्ष, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आप 27 साल के होने चाहिए। और साथ तौर पर ये भी बताया गया है कि दैट कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1997 और साथ ही साथ नॉट लेटर देन 1/8/2006, और जो इसका मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल जो है वो बताया गया है और 18 के आप होने चाहिए तब जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर चुके हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 12th पास होनी चाहिए, यानी कि आपका 12th पास जो है वो साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए विद मैथमेटिक्स के साथ जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आपको बता दें कि SSC.gov.in पर आप वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, आपको ज्यादा अधिक जानकारी लेनी है तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं और पूरी जानकारी जो है वो आपको दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको पे स्केल की बात करूं तो पे स्केल में जो लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए बताया गया है वो लगभग 19,900 से 63,200 के करीब है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो पे स्केल है 19,900 से 63,200 के करीब रहने वाली है। पोस्टल असिस्टेंट की 25,500 से 81,100 तक रहेगी। सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी कि SA की जो रहने वाली है वो 25,500 से 81 तक रहेगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो रहने वाली है पे लेवल 4th जिनका रहने वाला है वो 25,581 तक रहेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 5 जैसे कहा जाता है 29,200 से 92 तक रहेगा। और DEO जिसे ग्रेड 1 में रखा जाता है उसका 25,000 से शुरू होगा और 81,100 जो है वो इसका पे स्केल रहने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अप्लाई यानी कि प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो May 8, 2024 इसका लास्ट डेट रहेगा। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करवानी है तो आप करेक्शन के लिए जो है जो डेट बताई गई है, जो तारीख बताई गई है वो 10 और 11 तारीख जो है वो बताई गई है, यानी कि May 10 और May 11 तारीख को 2024 आप जो है वो करेक्शन करवा सकते हैं। और टाइमिंग भी बताया गया है यानी कि रात के 11 बजे जो है वो टाइमिंग बताया गया है।
और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है वो मई 8 को बताई गई है। लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तुरंत आप जो है वो फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप इस नौकरी का बेहद लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बेहद ही अपॉर्चुनिटी है, महत्वपूर्ण ये जानकारी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक तक ये जानकारी पहुंच सके, उस युवा तक ये जानकारी पहुंच सके जो इस नौकरी का बेसब्री से, इन वैकेंसीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इन पोस्टों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और इसके लिए जो है वो प्रिपरेशन लंबे समय से कर रहा था। तो जल्द जाइए और अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियां जो है वो देखने मिलती है, जहां पर साइट में जो है यानी कि साइट जो है वो बंद हो जाती है, जिसके चलते लास्ट डेट में जो है वो फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। तो मई 8 जो है वो यानी कि मई 8 2024 इसका लास्ट डेट रहने वाला है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। एग्जाम डेट की बात करें, जो टायर 1 में एग्जाम रहेगा वो 1st मई 2nd 3rd 4th 5th 8th 9th और साथ ही साथ जुलाई इसका जो है यानी कि 1st जुलाई 2nd जुलाई 3rd 4th 5th 8th 9th 10th 11th 12th जुलाई 2024 जो है टायर फर्स्ट एग्जाम जो है वो रहने वाला है, एग्जाम डेट जो है वो बताई गई है। और साथ ही साथ जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा तो तब आपको जो है वो बताया जाएगा कि आपका यानी कि सेंटर कहाँ होगा और उसके बाद आपकी टाइमिंग जो है वो क्या कुछ रहने वाली है वो आपके एडमिट कार्ड में होगी। तो आपको बता दें कि 3712 के करीब जो है ये वैकेंसीज निकाली गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC CHSL के द्वारा जो है ये वैकेंसी जो है वो आउट की गई है और ये वैकेंसीज तकरीबन 3712 के करीब ये वैकेंसीज है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन युवा के लिए जो युवा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इस नौकरी का इंतजार कर रहे थे और केवल आपके पास 12th पास होनी चाहिए, साइंस में जो है वो आपकी 12th पास होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स के साथ, जो है वो आपका 12th पास होना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट जो बताई गई है वो 27 यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट है और आप 18 वर्ष होने चाहिए, उसके बाद आप जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से जाइए और ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो यानी कि फॉर्म की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इसकी वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 3712 के करीब जो है वैकेंसीज आउट की गई है। तो जिस तरीके से एग्जाम की बात करें तो एग्जाम डेट जो है वो भी आपसे साझा कर चुके हैं। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो विजिट कर सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दोबारा बता दूं, SSC.gov. आप जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, gov.in यानी कि SSC.gov.in पर यानी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आप विजिट कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा उन युवाओं के साथ जो इस समय कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस नौकरी का इंतजार कर रहे थे, इन पोस्टों का, इन वैकेंसीज का लंबे समय से जो है वो इंतजार कर रहे थे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय भी जरूर रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए 24 के साथ। नमस्कार।